हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 28 जुलाई 2021। दोस्तों, इन दिनों एक रिजल्ट का माहौल या फिर सिलसिला बन चुका है। एक के बाद एक छोटी बड़ी सभी कंपनियां अपने रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है। आज उसी में से एक ऑटो मेकर कंपनी यानी कि ऑटो सेक्टर के कंपनी ने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स प्रेजेंट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उस कंपनी के जो क्वार्टरली अर्निंग्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है 28 जुलाई 2021 और कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है मारुति सुजुकी लिमिटेड। जी दोस्तों, बिल्कुल हम मारुति सुजुकी लिमिटेड की बात कर रहे थे क्योंकि वो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी ऑटो मेकर कंपनी है और उसकी जो कार और उसकी जो डिफरेंट ऑटो जो है ऑटो व्हीकल जो है बहुत ही पॉपुलर है यहाँ की पब्लिक में। दोस्तों, ये जो है एक कॉपी जो सबमिट की गई थी दोनों एक्सचेंजेस NSE लिमिटेड और BSE लिमिटेड। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे मैंने हाईलाइट करके दिखा है कि बोर्ड मीटिंग कमेंस हुई थी 11:30 AM को और कंक्लूड की गई थी 3 PM को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो आपको मारुति सुजुकी लिमिटेड के क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लेकर चढ़ता हूँ और उसको जो डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस PDF कॉपी पे जिसको कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30, 2021। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी रिजल्ट फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो रुपीज़ इन मिलियन है यानी कि इंडियन रुपीज़ मिलियन में से भी फिगर्स प्रेजेंट किए गए। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के बिजनेस फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो है ऑटो के यूनिट्स कितने सेल हुए, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट सेल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। तो मेनली वहाँ पर से रेवेन्यू जनरेट हुए 1,67,999 मिलियन रुपीज़। दोस्तों, अगर बात करते हैं अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ के बारे में तो कंपनी को 9,765 मिलियन रुपीज़ की अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। दोस्तों, अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन से तो कंपनी को मेनली 1,77,764 मिलियन रुपीज़ की जो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में तो कंपनी को मेनली 5,079 मिलियन रुपीज़ की जो है अदर रेवेन्यू जनरेट हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी को टोटल रेवेन्यू 1,82,843 मिलियन रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो कंपनी को जो है 54,290 मिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी यानी कि कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है सेल्स में जो एक तरीके से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं मार्च क्वार्टर इंडेड में तो 241,243 मिलियन रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी यानी कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू में एक तरीके से थोड़ा सा डिटेरियोरेशन दिखाई दे रहा है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन नहीं मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये डिटेरियोरेशन भी जो है मेनली कोरोना की सेकंड वेव की वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी कंपनियों के जो सेल्स को अच्छी खासी इफेक्ट हुई थी कोरोना की सेकंड वेव की वजह से। और एक ऑटो कंपनी में तो ये अच्छी खासी देखने को मिलती है क्योंकि ऑटो सेक्टर एक तरीके से पूरे मंदी में चल रहा है अभी फिलहाल और उसमें भी कोरोना की सेकंड वेव की वजह से उसमें जो है दुगनी मार पड़ी है। इसी वजह से जो उसके फिगर्स थोड़े से डाउन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी और उसके दूसरे फैक्टर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं वहाँ पे लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर के बारे में तो कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है 6,111 मिलियन रुपीज़ फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30, 2021। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो मार्च क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 13,360 मिलियन रुपीज़। और दोस्तों, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि जून क्वार्टर 30 जून 2020 में तो कंपनी लॉस में चल रही थी 1,692 करोड़ मिलियन रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिला है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। और दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी साइन नहीं मानी जाती है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इतना ज़्यादा डिटेरियोरेशन वो भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये डिटेरियोरेशन मेनली जो है कोरोना की इम्पैक्ट की वजह से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बेसिक और डाइल्यूटेड EPS के बारे में। तो दोस्तों, जो मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में डाइल्यूटेड और बेसिक EPS दिखाई दे रहा था 41 रुपीज़ और 9 पैसे। और अगर बात करते हैं जून क्वार्टर 30 जून 2021 में तो डाइल्यूटेड और बेसिक EPS दिखाई दे रहे 15 रुपीज़ और 72 पैसे।
और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो थे नेगेटिव दिखाई दे रहे थे, 8 रुपीज़ और 88 पैसे नेगेटिव जो है डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस दिखाई दे रहे थे। यानी कि दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी जो कम होने की वजह से कंपनी के डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस भी एक ड्रास्टिकली डाउन रहे हैं। तो फ्रेंड्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के आस्पेक्ट कुछ इस तरह के से थे कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के इंपैक्ट अच्छा खासा देखने को मिला है कोरोना की सेकंड वेव की वजह से, और उसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक तरीके से डिटेरियट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंपनी के कुछ की पैरामीटर पे, ताकि आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाए और आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मारुति सुजुकी इंडिया के स्टॉक में अच्छे से समझ पाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वहाँ पर डिस्कशन शुरू करता हूँ। सो फ्रेंड्स हम वहाँ पे आ चुके हैं उस कॉपी पे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मारुति सुजुकी बोर्ड मीटिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 April-June फाइनेंशियल 2021-22। यहाँ पे जो कंपनी ने जो राइटिंग में लिखा हुआ है कि सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक एडवर्सली इम्पैक्ट किया है Q1 प्रोडक्शन और सेल्स को, वाइल ऑल द पैरामीटर्स दिस क्वार्टर वेल सब्सटेंशियली बेटर देन Q1 2021 कंपेरिजन इज नॉट मीनिंगफुल बिकॉज Q1 लास्ट ईयर हैड अ मच हायर डिग्री ऑफ डिस्ट्रप्शन ड्यू टू द पेंडेमिक। यानी कि सेल्स इन Q1 रिमेन फार बिलो द प्रीवियस हाई Q1 फाइनेंशियल ईयर 18-19। यानी कि जो कोरोना की वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल पैरामीटर और उसके सेल्स और प्रोडक्शन पे अच्छे खासे इम्पैक्ट देखने को मिले, कंपनी ने ऐसा जो है उसके प्रेस रिलीज में ही बताया। दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के सेल वॉल्यूम के बारे में, तो मेनली जो कंपनी ने सोल्ड किए 353,614 यूनिट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, उसमें से जो 308,095 यूनिट्स है डोमेस्टिक सेल्स है और 45,519 यूनिट्स जो एक्सपोर्ट किए गए। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रीवियस क्वार्टर में, तो कंपनी ने सोल्ड किए थे 76,599 यूनिट्स इंक्लूडिंग ए 67,027 यूनिट्स इन डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि एक्सपोर्ट भी उसने किया था 9,572 यूनिट्स। फॉर दी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिखाया गया कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 18-19 में स्टूड थे वो 4,90,497 यूनिट्स। यानी कि जो यूनिट्स में भी अच्छी खासी जो एक तरीके से थोड़ी सी डिटेरियोरेशन दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नेट सेल्स के बारे में, तो नेट सेल्स है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो रजिस्टर्ड सेल्स दिखाई दे रही है 9,01,67,987 मिलियन रुपीज़, एज कम्पेयर टू दी नेट सेल्स ऑफ INR 36,775 मिलियन है Q1 फाइनेंशियल 2020। यानी कि सेल्स में अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो एक तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 4,408 मिलियन रुपीज Q1 फाइनेंशियल 2021-22 यानी कि जून क्वार्टर में, और जो पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस दिखाई दे रहा था 2,494 मिलियन रुपीज़ सेम क्वार्टर में। यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो एक तरीके से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से कंपैरिजन दोस्तों बिल्कुल ही जो है एक तरीके से अच्छी तरीके से जो हमें प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वह बहुत सारे साइड से इम्पेक्ट होता है। अब चाहिए दोस्तों हम बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के प्राइस में, क्या स्टॉक में किस तरह का जो है मूवमेंट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है 28th of July 2021, और हम बात करें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक 1.525% डाउन होकर 90.25 रुपीज़ गिर के 7,150 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था। यानी कि मारुति सुजुकी में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो मेनली जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 7,39,427 क्वांटिटी, उसमें से अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 2,55,290 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई है। और बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 34.53% की एक डिलीवरी उठाई गई है। लेकिन फ्रेंड्स इतनी सी बात से हमको जो है कंपनी के जो है स्टॉक में एक तरीके से मूवमेंट का पता नहीं चलता, इसीलिए हम जो है मेनली जो उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे गेट डेरिवेटिव कोर्स का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डेरिवेटिव के स्टॉक के डेरिवेटिव पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको मैं वहाँ से डिस्कशन शुरू करता हूँ। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के डेरिवेटिव पे, यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी दिखाई दे रही है यानी कि 29th of July 2021 को एक्सपायर होने वाला मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर देखते हैं स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे, तो 1.39% डाउन होके 130 रुपीज़ डाउन होके 7,131.95 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है।
और दोस्तों अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस के अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि मारुति सुजुकी का स्टॉक तो वो दिखाई दे रहा है उसका प्राइस 7,150 रुपीज़, यानी कि जो स्टॉक का अभी जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है वो स्टॉक के जो अंडरलाइन मारुति सुजुकी का स्टॉक जो है उसकी अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि उससे जो एक तरीके से डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है और वो एक अच्छी साइन नहीं मानी जाती, क्योंकि जब ये स्टॉक का जो फ्यूचर प्राइस डिस्काउंट पे ट्रेड होता है तो उस एक तरीके से अंदाज़ा लगता है कि उसमें जो एक तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उतने से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए जो हम ओपन इंटरेस्ट को भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 13,58,800 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मेनली 88,200 नए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 6.94% की इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एक तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दोस्तों फॉल इन प्राइस अलोंग विथ रेज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में एक तरीके से जो एक बेरिशनेस अभी भी हो फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो उसका स्टॉक का जो प्राइस वो एक तरीके से फ्यूचर प्राइस डाउन दिखाई दे रहा है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में जो है शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। दोस्तों लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर कोई जो है एक तरीके से गारंटी नहीं है, यानी कि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र और जो है एक तरीके से कंसल्टेंट उसको जो है एक तरीके से अप्रोच कीजिएगा और फिर ही किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट का जो है डिसीजन लीजिएगा। सो दोस्तों हमने जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस को आपके साथ प्रेजेंट किया और उसमें जो है स्टॉक में किस तरह का जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रहे उसकी भी डिस्कशन की। सो दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में।